टेनेंट्स एसोसिएशन जिंदाबाद, हुकाम टेनेंट्स एसोसिएशन जिंदाबाद, हुकाम टेनेंट्स एसोसिएशन जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में, हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। वक्फ बोर्ड द्वारा दुकानों और मकानों के किराए बढ़ाए जाने को लेकर आज तमाम दुकानदार यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब जम्मू में, और यहाँ पर इसे बातचीत करने की जिस तरह से लगातार जो दुकानों और मकानों के किराए जो वक्फ बोर्ड द्वारा बढ़ाए गए हैं, और आज उसी को लेकर तमाम लोगों का गुस्सा इस वक्त यहां पर फूट रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से वक्फ बोर्ड द्वारा जो उनकी जमीन पर जो दुकानें या मकान थे उनके जो किराए बढ़ाए गए, रेंट बढ़ाए गए, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अपनी मर्जी से, ना किसी को बोला ना कुछ, अपनी मर्जी से किराया बढ़ाया, किसी का 200%, किसी का 500%। हालांकि दुकानों की पैमाइश की जाए तो इतना किराया बनता नहीं है। अब मैं 1200 देता था, मेरा 5400 रुपया हो गया है। किसी का 30 रुपये स्क्वेयर फुट, किसी का 35 रुपये, किसी का 25 रुपये, एक कानून नहीं कोई भी। तो बाकी यही है कि घर बैठे हुए अपना कानून बना लिया इन्होंने। सरकार का काम है लोगों को सहूलियत देना, ना कि उन्हें महरूम करवाना। तो उनको सहूलियत देना, बाकी के जेडीए में चले जाओ, कहीं चले, सारा का 12 रुपये स्क्वेयर फुट है। हमारा कर दिया, किसी का 30%, किसी का 40%, किसी का 25%। क्या कहना चाहेंगे मैडम द्रक्षा अंद्रावी जी को? यही कहेंगे जी, जो जेन्युइन है वो किराया हम देने को तैयार है, लेकिन जो इतना किराया बढ़ाया वो कौन देगा इतना? जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम प्रोटेस्ट करने इसलिए आए हैं कि आए दिन नए नए कानून तो बनते रहते हैं, उसमें तो कोई वो बात नहीं है नई वाली, लेकिन देखा जाए तो पहले 3 साल से जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हालात ही खराब है। महामारी चल रही थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, 370 तोड़ने के बाद बेड़ा गर्क हो चुका है जम्मू कश्मीर का। आप खटी के तलाब में आइए, कैमरे लगाइए, देखिए कौन सा काम है वहां पे, और ऊपर से 36% इन्होंने रेट चढ़ाया है। कम से कम इनको सोचना चाहिए, लोग बेरोजगार हैं, एक कौन सा तरीका है रोजगार देने का? जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं आप? ये जो दरबार मुंह आता था उससे हमारे मेटाडोर वाले, उससे हमारे ऑटो वाले, उससे हमारे रघुनाथ बाजार वाले सारे काम करते थे। खड़गे तला में भी काम चलता था, होटल वाले सब, पूरा जम्मू शहर उससे चलता था, वो भी बंद हो गया। आप आइए वहाँ, देखिए वहाँ क्या हालात है, लोग खुदकुशी करने पे आए हुए हैं और आप रेट बढ़ा रहे हो। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, जैसे जेडीए है, जैसे बाकी है, धर्मा ट्रस्ट है, हम वहाँ पे गए, हमने देखा वहाँ कोई इतना रेट है ही नहीं जो इन्होंने रेट बनाया, अपनी मनमर्जी चल रही, बस यही बात। देख सकते हैं कि तमाम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हर कोई इस वक्त परेशान है कि आखिरकार जो वक्फ बोर्ड द्वारा इस तरह का जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं तमाम दुकानदारों को परेशान हाल जो है वो यहाँ पर कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? सब मसला हल होना चाहिए, आपका भी किराया बढ़ाया गया है 3 साल के किराया बजाय 3 साल के बढ़ाने के इन्होंने 11 महीने के बाद 10% बढ़ाना शुरू किया, जो कि एक नाजायज चीज है। बिल्कुल कहीं भी स्टेट में या बाहर 11 महीने किसी दुकान का नहीं बढ़ता। फिर हमसे थ्रेट में लेते रहे वो। अभी इन्होंने क्या किया कि उसके पास हमने एडवाइजर उस वक्त के जो थे, किराया में बढ़ोतरी हुई है, अगर ये कम नहीं होता है तो क्या स्टेप रहेगा आगे? अब स्टेप जी, एक तो मैं प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे और बाकी जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। कि तमाम लोग इस वक्त वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो ये फैसला लिया गया है रेंट को ज्यादा, यानी कि किराए को ज्यादा बढ़ाने का, उसको जो है वापस लिए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इनके इस आंदोलन के बाद कोई किस तरह का असर देखने को मिलेगा, क्या इनका रेंट जो कम किए जाने की दोबारा से मांग कर रहे हैं कि जो रेंट बढ़ाया गया उसे दोबारा से कम किया जाए, ये किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर आपको क्या लगता है? आपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।